हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक नई एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, यानी एक नई अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, जो कि है थायमस। हमने हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली तीन ग्रंथियाँ पढ़ ली है, पिट्यूटरी, पाइनियल, हाइपोथैलेमस। हमने हमारे थ्रोट यानी गले में, नेक में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ पढ़ ली है, थायरॉयड, पैराथायरॉयड। अब बारी है हमारी चेस्ट रीजन में आने की, यानी छाती के रीजन में आने की, जहां पर हम पढ़ेंगे थायमस ग्रंथि, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि जो कि जनरली पढ़ाई नहीं जाती, बट इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थायमस ग्रंथि को। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट जो इससे आता है वो क्या है कि ये कहाँ पाई जाती है, यानी इसकी लोकेशन। तो आप जानते हो ये हमारे चेस्ट रीजन में, यानी छाती के रीजन में पाई जाती है, पसलियों के नीचे, रिब्स के नीचे की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, थायमस ग्रंथि की ना एक खास बात है, वो क्या है कि यह ग्रंथि ना जब बच्चे पैदा होते हैं तो छोटे साइज की होती है। ठीक है, जब छोटा बच्चा होता है उसमें छोटी सी होती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है रहता है वैसे वैसे थायमस ग्रंथि का आकार भी बढ़ता रहता है, और फिर जैसे जैसे फिर बुढ़ापा आने लग जाता है ये फिर छोटी होने लग जाती है। यानी कि यह अपना आकार बदलती रहती है, यह अपना आकार बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, उम्र के अनुसार, उम्र के अनुसार। यानी कि ये अपनी साइज को बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू एज, क्या बदलती रहती है, साइज बदलती रहती है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जो कि आखिरी क्वेश्चन भी है इस ग्रंथि का, वो है इसका कार्य, यानी कि यह हमारी बॉडी में कार्य क्या करती है। तो देखो, पहली चीज तो आप जानते हो कि हर एक एंडोक्राइन ग्रंथि, हर एक अंतःस्रावी ग्रंथि एक हार्मोन देती होगी, एक या एक से ज्यादा, तो यह ग्रंथि भी देगी। तो यह देती है एक हार्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। देखो, थायरोक्सिन हमने किया था थायरॉयड में, ये क्या है, थाइमोसिन, ध्यान रखना है, थाइमोसिन नाम का हार्मोन देती है कौन, हमारी थाइमस ग्रंथि, हमारी थाइमस ग्रंथि देती है थाइमोसिन हार्मोन। अब थाइमोसिन हार्मोन का कार्य क्या है स्टूडेंट्स, अगर ये पूछ लिया जाए तो देखिए, थाइमोसिन हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट बनाती है, क्या बनाती है, लिम्फोसाइट बनाती है, यानी कि लसिका कोशिका बनाती है। क्या होता है लिम्फोसाइट, याद है हमने ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर पढ़ा था WBC, और WBC के हमने पढ़े थे टाइप्स यानी प्रकार। तो जाके रिवाइव करिए और देखिए लिम्फोसाइट क्या होती है। ऊपर ऊपर की बात ये बताती हूँ कि लिम्फोसाइट जो है वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने के कार्य करती है, यानी हमारी बॉडी में प्रतिरक्षी कौन बनाता है, लिम्फोसाइट बनाते हैं। और प्रतिरक्षी क्या करते हैं हमारी बॉडी में, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि देखो ये करता है, ये करता है, कितना सारा कुछ इकट्ठा हो गया ना। अब रिवाइव कर लेते हैं, देखो सिंपल सी बात, हमारी बॉडी को छोटी छोटी छोटे छोटे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी क्या चाहिए, ताकत चाहिए। उस ताकत को साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में बोलते हैं इम्यूनिटी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से, रोग मतलब बीमारी से प्रतिरोधक, रोकने की क्षमता, ताकत। ठीक है, बीमारी को रोकने की जो ताकत है बॉडी में वही क्या होती है, इम्यूनिटी। बीमारी से लड़ना है तो इम्यूनिटी चाहिए, इम्यूनिटी कौन देता है, एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी कौन होता था, जो कि किसी भी अनजान को देख के लड़ने लग जाए, याद आया, एंटीबॉडी कौन बनाता है, एंटीबॉडी बनाती है हमारी बॉडी की ब्लड की WBC यानी श्वेत रक्त कोशिका का एक प्रकार है, लिम्फोसाइट बनाता है। और लिम्फोसाइट कौन बनाता है, लिम्फोसाइट बनाता है हमारी थाइमस ग्रंथि का छोड़ा हुआ हार्मोन थाइमोसिन। यानी कि सीधी भाषा में बच्चों, अगर आपकी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि सही से कार्य करेगी तो थाइमोसिन अच्छे से निकलेगा, जब थाइमोसिन अच्छे से निकलेगा तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी, जल्दी से बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन अगर आपकी बॉडी में थाइमस का हार्मोन थाइमोसिन सही से नहीं निकलेगा तो आप वीक इम्यूनिटी वाले हो जाओगे। अब सोचो, मैंने बोला कि बच्चों में ये बहुत छोटे साइज की होती है,
ठीक है। तो बच्चे आपने देखा जल्दी से बीमार हो जाते हैं, छोटे बच्चे, बिल्कुल बात कर रही हूँ मैं एकदम छोटे बच्चे, न्यूली बोर्न, ठीक है, नए नए जो नवजात शिशु होते हैं वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एज बढ़ाते हैं, यानी कि हम मान लीजिए 5 से 15 साल की उम्र में आते हैं, 5 से 25-30 साल की उम्र में आते हैं, तो लोगों में मतलब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है उनकी, ठीक है, जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, हेल्दी होते हैं इंडिविजुअल्स। लेकिन अगर हम थोड़े बूढ़े लोगों में जाएं तो वो फिर बीमार पड़ते हैं जल्दी जल्दी। क्यों बच्चों? थाइमस ही तो है जो बीमारी से लड़वाता है। तो अगर थाइमस छोटा सा है तो बीमारी से नहीं लड़ पाओगे, थाइमस अच्छा खासा है तो बीमारी से लड़ लोगे। और बुढ़ापे में क्योंकि ये छोटा होता जाता है तो वो अच्छा नहीं रहता है, थाइमोसिन कम यानी एंटीबॉडी कम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम, और बूढ़े लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी ग्रंथि थाइमस ग्रंथि खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ग्रंथि के साथ जो कि रहेगी पेनक्रियास। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।